अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। बहुत ही प्यारी सुबह है। वी आर रेडी नाउ, अभी निकलना है लोंगेवाला और तनौत माता। सामान हमने सारा पैक करके रख दिया और बाकी जो भी रास्ते में होता रहेगा सब चीज़ें पता लगती रहेंगी। एकदम सूरज तेज़ हो रखा है आज। बाकी बाइक वगैरह स्टार्ट करते हैं, चल के चलते हैं। ज़रा बाइक को रेडी कर लेते हैं। चलो जी, कुछ खाया नहीं है हमने तो हम सोच रहे हैं एक एक कचौड़ी खा लेते हैं। छोटी सी कचौड़ी होती है, लाइट भी रहेगी और जल्दी खा भी लेंगे। यहीं पे खा लेते हैं, इधर लगा देता हूँ बाइक को। सब्जी कचौड़ी क्या चीज़ है? हाँ, दो प्लेट दे दीजिए। मैंने कहा सब्जी कचौड़ी करें, नहीं चटनी कचौड़ी है। मैंने कहा दो प्लेट दे दो। दे रहे हैं। कैसी है कचौड़ियाँ? फेमस है यहाँ की? बहुत ज़्यादा तो अच्छी नहीं है लेकिन बेटर है। मतलब खाली पेट से तो बेटर है। वो तो है। दही चटनी और मतलब तीखी नहीं है, नॉर्मल सा, मतलब मॉडरेट है एकदम। यह क्या नाम है इनका? आनंद मिष्ठान। मिठाइयाँ वगैरह भी सारी रखी हैं। घेवर, घेवर देख के हमको थोड़ा सा लालच आ गया था। घेवर खाओगे? भैया यूपी से हैं तो घेवर ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो जी, नाश्ता हो गया हमारा बढ़िया आनंद मिष्ठान भंडार पे। एक कचौड़ी और 100 ग्राम घेवर, मात्र 110 रुपये में बढ़िया नाश्ता हो चुका है दोनों का। अब चल रहे हैं, हमने मैप लगाया हमने लोंगे वाला का। 125 किलोमीटर है तो यही रोड है, ये है फोर्ट रोड। फोर्ट के साथ साथ इस पे चलते हैं आगे से। तो भाई साहब ये शुरू हो चुका है NH 68। अभी हमको 63 किलोमीटर तक इस पे रहना है और ये रोड तो ऐसा कर रही है जैसे इनविटेशन दे रही हो। मज़ेदार मज़ेदार। और साथ में ये विंडमिल्स चल रही है ना, जो ये अलग ही इफेक्ट दे रही है भाई। आई होप गोप्रो पूरा जस्टिस कर रहा होगा। वैसे तो गोप्रो ऐसे वेदर में एकदम, जो इसकी वो आती है क्लिप आती है ना, एकदम बहुत ही बढ़िया कहते हैं जिसे, बेहतरीन वो आती है। क्योंकि GoPro अच्छी लाइटिंग हो ना तो GoPro नो वन कैन बीट इट। बाकी अपन सिक्स गियर में डालते हैं और पकड़ते हैं 100 की स्पीड पूरी। तब 100 तो यहाँ पे इस रोड पे ऐसा लग रहा है जैसे 50 पे चल रहा हूँ। और हम कोशिश करेंगे यार, अगर भारतमाला वाला जो रोड है अगर उस पे चढ़ सके तो, क्योंकि उस रोड का जो एक्सपीरियंस है वो तो अल्टीमेट है। मतलब उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि वन ऑफ द बेस्ट रोड, दैट इज़ द बेस्ट रोड इन कंट्री। इधर डेजर्ट, उधर डेजर्ट और बीच में रोड। वाह, ये बहुत ही सही सीन रहता है। और मेरी मतलब कितने टाइम से ऐसी एक जिसे वो बोल सकते हैं कि था कि यार चलानी है एक बार ऐसी जगह में। अभी मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद रोड थोड़ी सी डार्क दिख रही हो, क्योंकि जो सन है वो हमारे पीछे है
तो हम लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जो उधर से आने वाले हैं आते टाइम बहुत अच्छा वो आता, लाइटिंग आती। हाँ, लौटते हुए ज़्यादा अच्छा बनेगा क्योंकि लाइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि अभी हम ऑपोजिट में जा रहे हैं। और यार देखो क्या है ना, मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं है, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाए, जहाँ तक देखो। ये हम लोग बचपन में सुनते ना रेगिस्तान में, तो अब एक्चुअल रेगिस्तान में है अब। मगर वेदर बहुत सही हो रखा है यार, एकदम प्लेजेंट, कोई गर्मी नहीं कोई सर्दी नहीं। इंटरसेप्टर सूं करके निकल गई मेरे साथ से, 5-6 किलोमीटर तो अभी दिख रही है मेरे को सीधी। मन कर रहा है थोड़ा सा खींचने का, खींचू क्या? एक फ्लाई बाई मार के जाता हूँ तुम्हारे साथ से। भाई यहाँ तो मतलब इंटरसेप्टर को इशारा दिखाने की जरूरत है बस। बहुत ही सही भाई, बहुत ही सही। कैसे हो भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फुल कर दीजिए, धन्यवाद आपका। मैं कार्ड से करूँगा। फोन पे नहीं है? फोन पे नहीं, नहीं। अभी जिस हाईवे पे हम लोग चल रहे थे वहाँ से हमने लेफ्ट लिया है। लेफ़्ट में बोर्ड दिख जाएगा कि लोंगे वाला के लिए लेफ़्ट। तो ये दूसरी रोड आ गई है, अभी तकरीबन 43 किलोमीटर्स है। और तनौत माता के लिए भी इधर से एक रास्ता कटेगा, तो मतलब उसमें आपके चॉइस है कि आप तनौत माता पहले जाना चाहते हैं, लोंगे वाला बाद में, या उसका ऑपोजिट अगर आपको करना हो, जैसे भी आपकी अपनी चॉइस है। तो हम पहले लोंगे वाला जा रहे हैं, वापसी में आते हुए मंदिर आएंगे। मेरे ख्याल से सारे अभी हिमाचल ही जा रहे हैं और कश्मीर, जो उधर स्नोफॉल वगैरह हो रही है। मगर पता है एक ना एक बस क्रेज़ है लोगों में ना कि स्नोफॉल में जाना है। मगर जैसे बाइक पे भी वहाँ पे जाते हैं, कार में भी जाते हैं, 95% लोग वहाँ जाके स्नोफॉल में स्ट्रगल ही करते हैं, पता है? क्योंकि ना तो गाड़ी सही से चल पाती है, ना ही बाइक सही से चल पाती है। मगर जाना ज़रूर है। अब आप एकदम अगर बिल्कुल आप एडवेंचरस हैं तो जाइए, मगर वो देखा देखी में कोई काम नहीं करना चाहिए यार। देखा देखी में बहुत लोग करते हैं, अरे आज मैंने रील देखी है भाई स्नोफॉल वाली, मैं भी जाऊंगा। हम लोग रुक गए भाई बीच रोड में थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के लिए, और क्या सही फ़ोटो आई। एक आपको थोड़ी सी वो ग्लिम्स दिखाता हूँ, फ़ोटो देख लो यार, वाह भाई। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, एक से एक फ़ोटो आई है। और यशवंत को भी मैं टैग कर दूंगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, कैमरा तो जगह वरना फ़ोटो नहीं मिलेगी। 50 किलोमीटर्स रह गया लोंगे वाला यहाँ से, सीधी रोड लंबी दिख रही है बिल्कुल। एकदम बंजर पड़ा है, ये क्या है भाई, ये बॉल पड़ी है क्या है ये? भाई मेरे को पहले लगा कि बॉल गिरी हुई है, मगर कुछ है ये यहाँ पे ना, उगता है कुछ, क्या लग रहा है मुझे, कुछ समझ आ नहीं रहा। आप लोगों को पता हो तो बताओ। वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, सारे में है। पीछे यार 2-3 लोग बैठे थे, देखे थे वो इनको सही कर रहे थे, वो यही फ्रूट था या जो भी सब्जी है, पता नहीं क्या है। देखो ये बॉल बॉल सी पड़ी है जो, ये आया है कौन सी जगह है, ये गेमने वाला। ये लोंगे वाला से पहले पड़ता है, लोंगे वाला होगा 15 किलोमीटर यहाँ से। बहुत ही छोटा सा गांव है, रुकते नहीं हैं, चलते हैं। तनौत माता मंदिर के लिए ये वाला रास्ता कटता है, अपना आर्मी का चेक पोस्ट है शायद इधर। तो भाई साहब आ गया लोंगे वाला, और यार यहाँ आके अलग ही एक पैट्रियोटिक फीलिंग आ रही है। यहाँ पे
आईडी वगैरह चेक होगी शायद। सर जमा कराना है? नहीं सर, जमा नहीं कराना। सर बैग करके पार्किंग में लगा लो सर, बीच रोड में नहीं, पार्किंग में लगा लो सर। कहाँ से हैं आप? नोएडा से और ये ग्वालियर से। मोटरसाइकिल? हाँ जी। देखते हैं अभी पार्क करके चलते हैं हम भी अंदर। लोंगे वाला युद्ध स्थल, ये मतलब वॉर ग्राउंड है पूरा का पूरा। यार यहाँ पे पूरे ये बंकर बने हुए हैं, मतलब ओरिजिनल बंकर्स हैं, इनको थोड़ा सा मेंटेन वगैरह करके रखा हुआ है। तो हमने तो आज तक यार मूवीज़ में देखे थे, पर आज असली में देखा तो इतनी मतलब प्राउड फीलिंग होती है यार यहाँ पे आके। ये पूरे बंकर बने हुए हैं भाई साहब। अंदर ऑडियो शो वगैरह भी चल रहा है आई थिंक। भाई पाकिस्तान का T-59 टैंक। व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से दैट फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। ट्रू, दिस इज सो ट्रू यार। वहाँ पे भी दूर दूर वो जो आपको सामने दिख रहे हैं वो भी सारे वहाँ पे बंकर्स बने हुए हैं, जीप्स खड़ी हुई हैं पुरानी। अभी चलते हैं वहाँ तक अगर अलाउड है तो। बाकी यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना यार, वो मतलब वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसको। ये रहा भाई एक और बंकर। पूरी सारी की चीज़ें वैसे की वैसे ही रखी हुई हैं। टू टू थ्री सोल्जर्स ऑक्यूपाई अ बंकर एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी बाय मशीन गन एंड राइफल फायर। ये कम्युनिकेशन ट्रेंच है, यहाँ लेट लेट के सोल्जर्स जाते थे। हाँ, बिना किसी को देखे। सही है यार, ये लिखा ना कम्युनिकेशन ट्रेंच। दूर एक टैंक दिख रहा है आपको, पूरा जंग लगा हुआ, बहुत पुराना। और यहाँ पे सामने एक जीप, जीप है ट्रक है, ट्रक है ये छोटा ट्रक। कितनी पुरानी जीप है ये, M40A1, इंडियन वर्जन ऑफ द अमेरिकन M40A1 RCL। जीप के अंदर ही राइफल लगा हुआ है पूरा। पाकिस्तानी बहुत टैंक पकड़े हैं यार अपने, देखो ये भी पाकिस्तानी टैंक है। ये आपकी ओरिजिनल वाटर बॉटल्स, इलेक्ट्रिक लैंटर्न, प्रिस्मेटिक कंपास, एरियल व्यू है पूरा पाकिस्तान टैंक्स का। वाओ, विक्टोरियस अल्फा कंपनी, ये हमारा टैंक है। और ऊपर मेजर कुलदीप सिंह, पाकिस्तानी सोल्जर का आई कार्ड है ये। मेन पोर्टेबल रेडियो सेट यूज बाय LT धर्मवीर इन द बैटल ऑफ लोंगे वाला। मेस्टिन, हमारे वीर चक्र, सेना मेडल, वीर चक्र, महावीर चक्र, स्मॉल आर्म्स, 1275, 762, 556, एंटी टैंक माइन है, एंटी टैंक माइन। भाई साहब कितना बड़ा है भाई ये, देखो मशीन गन। ये क्या है? एंटी टैंक। ये भारत का आखिरी कैफे, लाहौर 809, कराची 696। लगभग एक घंटा हमको हो गया है यहाँ पे, और टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। मगर यार टाइम की बात नहीं है, जो मतलब फीलिंग अंदर से होती है ना यहाँ पे आके, वो उसको आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, मैं भी नहीं एक्सप्रेस कर सकता। जो ये सारी वॉर मेमोरियल और सारी चीज़ें हमने देखी हैं अभी, और जो पुराने पुराने टाइम की मशीन गन्स और जो टैंक और जीप सारी चीज़ें, कैसा लग रहा? एकदम मतलब सीना चौड़ा हो गया, चौड़ा हो गया मतलब फटने वाला हो रहा है अब।
बॉर्डर यहाँ से खाली 15 किलोमीटर दूर है और अभी हम लोग निकलेंगे तनौत माता के लिए। ये भारत माला रोड है, अभी आपको निकल के दिखाता हूँ, ये सामने जो जा रही है अभी, और इससे यहाँ से जो रास्ता निकलता है तनौत माता मंदिर, और वहीं से हम फिर उसी रूट में मिल जाएंगे जिस रूट से हम लोग आ रहे थे। गर्मी तो है भाई यहाँ पे, मतलब एकदम टेम्परेचर अच्छा खासा होगा इस टाइम मई जून में, इनसे पूछो मई जून में तो क्या ही हाल होता होगा। चलें, चलो चलते हैं। चलो, आई होप आप सबको भी अच्छा लगा हो जो हमने थोड़ा दिखाने की कोशिश करी, ज़्यादा बोल नहीं पाए क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे कैमरा अलाउ भी नहीं था, और जहाँ पे था वहाँ पे थोड़ा सा बोलना ऑड लगता है यार, क्योंकि सारे लोग आए हैं आराम से, तो थोड़ी पीस मेंटेन करके चलें तो अच्छा रहता है। कैमरा जस्टिफिकेशन भी नहीं करता इस जगह। हाँ, आप खुद आए तो ज़्यादा। ओरिजिनल में देखो भाई, आके एक विजिट तो बनती है यहाँ की। भारतमाला रोड कनेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। ये आपकी भारतमाला रोड है, ये जा रही है सीधा इस तरफ माता मंदिर की तरफ, और जो ये रोड इधर जा रही है, ये जा रही है आपकी अहमदाबाद की तरफ गुजरात। इंटरसेप्टर हमारी यहाँ खड़ी है, हेलमेट डालते हैं और निकलते हैं। चले, ये हमारी शुरू हो गई जी भारत माला रोड, यहाँ से द बेस्ट रोड इन इंडिया। ये कौन सी जगह है सर जी? ये सादे वाला। सादे वाला है, और ये रास्ते किधर को जा रहा है? ये बॉर्डर के लिए जाता है। पाकिस्तान बॉर्डर जाने देते हैं? नहीं नहीं, अलाउ वहाँ से। अच्छा, उधर से जाता रास्ता जाता है, परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, ओके सर। मोटरसाइकिल तो अलाउ है नहीं। अच्छा, पैदल? नहीं नहीं, पैदल भी नहीं जाने देते। फिर गाड़ी गाड़ी में निकल जाना। अच्छा, गाड़ियाँ जाती हैं उसमें निकल जाना। चलो, जय हिंद। ये जाता है बॉर्डर को रास्ता, मगर यहाँ से एंट्री मना है। एंट्री आगे से होती है एक जगह पे, जहाँ पे आप बिल्कुल फेंसिंग तक जा सकते हैं। हमें आधा पौना घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, जिनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी बंद कर रखा था कि ताकि वो जब दर्शन करके निकले उसके बाद बाकी लोग अंदर जा सके। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, जैसे छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे बीच बीच में पड़ते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो दो तीन हैं अभी उनकी लाइफ कितनी मुश्किल होती होगी। नहीं यार, मतलब तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, दुकान वगैरह तो आप भूल ही जाओ, तो सप्लाईज़ वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं ज़रूरतमंद चीज़ें, वो कैसे बेचारे पूरे करते होंगे। बहुत मुश्किल लाइफ है यार, हम लोगों की काफ़ी बहुत लाइफ आसान है, वही है ना, अपना दुख सबको बड़ा लगता है। हम लोग सोचते हैं यार, हम लोग ऑफिस में काम है, काम का प्रेशर है, ये टेंशन वो टेंशन, वो यार वही है, जब तक आप दूसरे की नहीं देखोगे आपकी, हमेशा आपको छोटी लगेगी परेशानी।
ये दुनिया में और भी गम है भाई, मगर भाई क्या कर सकते हैं, देखो उनके साथ तो चलना पड़ता है, लाइफ में अप एंड डाउन तो लगे रहते हैं यार, हमारी लाइफ में भी अप डाउन होते हैं। अब लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे को कमेंट्स वगैरह भी आते हैं कि यार आपके मज़े हैं, घूम रहे हो यार, मज़े हैं ना भाई, हमसे पूछो। मतलब ये होता है कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड जैसे बोलते हैं ना, तो मतलब ऐसा नहीं यार, देखो अप डाउन हर एक की लाइफ में रहते हैं, हमारे भी रहते हैं। पिछले 5 महीने में मैंने सिर्फ एक ट्रिप करी है नेपाल की, और एक अपनी वाइफ के साथ जो लैंडोर की ट्रिप करी है। मतलब जाने को मैं भी जा सकता था, मगर आदमी कई बार फंस जाता है भाई, बहुत मजबूर हो जाता है सच में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं, और बाकी फिर फाइनेंसेस हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। ये ट्रिप भी सच बताऊं, आज एक बहुत ही ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूं, ये ट्रिप मेरी ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाली थी, और फिर मैंने थोड़ा सा अपना सेविंग वगैरह में से कुछ देखा करके, मगर कर लेते हैं भाई जो भी है। देखो अब इसी के साथ चलना है, हमेशा गुडी गुडी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है लाइफ में, मुश्किल टाइम भी आएगा, मगर एक बात हमेशा ध्यान रखता हूँ मैं कि भाई अगर अच्छा टाइम नहीं रहा ना, तो ये बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। तो यार कम से कम 1 घंटे से चला रहे हैं मोटरसाइकिल, और सोचा आप थोड़ी देर रुक जाते हैं, प्लेन में भी चला चला के एक बारे को ना आदमी थक जाता। अरे क्या हो रहा है, मेरी आवाज़ मेरे को क्यों आ रही है? अरे ये इसकी वजह से आ रही है। अच्छा, हेलो हेलो। और हमने सोचा यार 5-6 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम 1.5-2 घंटे से चला रहे हैं लगातार 110-120 पे, और हाईवे ये ऐसा है ना, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीछे आपको दिख रही होगी पूरी रोड, पूरी एकदम पीछे तक, और इस तरफ पूरी यहाँ पे पीछे तक, मज़ा आ गया चला के। यहाँ पे खड़ी अपनी बाइक्स, और भाई बाइक क्या परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, दोनों की दोनों इंटरसेप्टर हम कॉन्स्टेंट चला के हैं अभी 100, 110, 120 पे, और अल्टीमेट परफॉर्मेंस। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अभी टेम्परेचर यहाँ पे गर्म ही हो चुका है, मगर ये बिल्कुल भी जो ये RLZ कार्बन फाइबर हीट शील्ड है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, तो इससे काफ़ी सही इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल भी जो हॉट एयर है ना, बिल्कुल भी पैरों पर नहीं आ रही, देखो ठंडे पड़े ना। हाँ चलो निकलते हैं, 5-6 मिनट तो हमको हो गए, बाकी पहुंचते हैं जैसलमेर, खाना खुना खाएंगे। चलो अंकल जी हमको भी जाने दो। राइट गए आप? राइट इधर आना है, राइट राइट आना था। फाइनली वी हैव रीच्ड होटल, और भाई आज की तो राइड थी ना, मजा आ गया कसम से। जो ये जो आपकी भारतमाला वाली रोड, और जो तनोट माता, और जो लौंगे वाली रोड है ना भाई, अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब ये कहो ना कि दिल खुश हो जाएगा अगर आप वहाँ पे बाइक चलाओगे। वंस इन अ लाइफ टाइम जैसलमेर राइड बनती है भाई। और जो वॉर मेमोरियल है, और जो वॉर ग्राउंड है, वो सारी जगह लौंगे वाला की ना यार, वर्थ अ विजिट। जो जो सेक्रीफाइस हमारे सोल्जर्स ने करा है ना, वो देखना तो बनता है आपका एक बार। और अभी हम लोग पहुँच गए, टाइम हो गया 7:05, खाना खा के बस अभी हम सोना है, क्योंकि सुबह की राइड यहाँ की भी आपको कल ही पता लगेगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि दो जगह हैं उसमें बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। अभी मैप वगैरह हम लोग लगाएंगे, फिर देखेंगे। रूम हम लोग वापस दूसरे रूम में आ गए, क्योंकि हमारे साथ हो गई एक ट्रेजेडी। 650 वाला हमने रूम लिया, उसका बेड हो गया छोटा, और यशवंत है 6 फीट का, इसके पैर आ रहे थे बाहर, तो वापस हम लोग एक रूम में आए। ये भी हालांकि 900 का नहीं है, 750 का है, तो चलो थोड़े थोड़े पैसे ही बचाते रहेंगे, तो ट्रिप में काम आते रहते हैं। तो अभी सोते हैं, थक गए हैं, नहाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, आप लोगों से मिलते हैं कल। भाइयों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? करते नहीं है, काफी लोग देखते हैं और निकल लेते हैं, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तभी हमको मोटिवेशन मिलता है भाई और अच्छा करने का। तो यू गाइस टेक केयर, कल मिलते हैं, गुड नाइट एंड खंबा खड़ी।